100 सीट लड़ करके आप 100 हार जाओगे और 10 सीट लड़ करके 100 जीत जाओगे, इस पे विचार करो। यूपी में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी भले ही बढ़ती जा रही हो, लेकिन यहाँ का सियासी पारा हर दूसरे दिन 1 डिग्री ऊपर चढ़ जाता है। चौक चौपालों से लेकर चाय पान की दुकानों तक हर ओर चर्चा है तो बस चुनाव की। मैं मकसूद खान श्री राम की नगरी अयोध्या से आपके लिए यूपी चुनाव पर दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का सबसे सटीक विश्लेषण लेकर आया हूँ। आज वंदे मातरम में बात छलिया की ललकार के बाद लैला क्यों है फरार। सौ सीट लड़ करके आप 100 हार जाओगे और 10 सीट लड़ करके 200 जीत जाओगे, इस पे विचार करो। क्या छोड़कर मैदान निकल गए भाईजान? कोई जनाब कह गए कि अगर फलां को वजीर आजम जिन्ना को बना दिया जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता। अरे आप तारीख को नहीं जानते, आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना कहां से आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। बात तो टीपू की भी होगी, क्योंकि सवाल ये भी है कि मजनू की बेवफाई जिन्ना प्रेमी को रास आई। ओम प्रकाश राजन जी की पार्टी के साथ गठबंधन है, अभी टिकटों की जानकारी आपको नहीं है। नमस्कार, वंदे मातरम, मैं हूँ मकसूद खान। मेरे दिल में हिंदुस्तान, सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें मेरी पहचान, और मैं लेकर आया हूँ आपके सामने देश का सबसे बड़ा शो वंदे मातरम। भगवान राम की नगरी अयोध्या से सरयू तट से उत्तर प्रदेश में सियासी पारा इस वक्त तूफान पर है। चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मोहरे सेट करने में लगी हैं। ऐसे में अब वंदे मातरम स्टूडियो से नहीं बल्कि यहां भगवान राम की नगरी अयोध्या से ही होगा। आज वंदे मातरम में सबसे पहले बात करते हैं लैला के फरार होने की। मजनू ने ऐसी चुनौती दी लैला को कि आखिर लैला कहां चली गई। हम बात कर रहे हैं दरअसल हैदराबादी भाईजान की। उस वक्त में जबकि यूपी की तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में मसरूफ थी, ऐसे में यही हैदराबादी भाईजान उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे और 20% मुस्लिम वोट पाने के लिए लगातार सरकार और दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर हमलावर थे। लेकिन अचानक से जब सियासी माहौल गर्म हुआ तो ये लैला आखिर फरार कहां हो गई। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं लैला हूं। लैला के ख्वाब पर मजनू का प्रहार। मुख्यमंत्री को लेके आया हूं, 2022 का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए लेके आया हूं। बनने से पहले ही बिखरा वैसी प्लान। हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं। राजभर का धोखा, कब्र में लैला की सियासत। मैं आपसे भीख मांगने आया कि मुत्तहिद हो जाओ, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों अपने वोट की अहमियत को समझो। बेवफा मजनू की सलाह, 10 सीटों पर लड़े ओवैसी। 100 सीट लड़ने से बढ़िया है कि 10 सीट लड़ो। 100 सीट लड़ करके आप 100 हार जाओगे और 10 सीट लड़ करके 200 जीत जाओगे। ये वही हैदराबादी लैला के मजनू हैं, जो महीनों पहले ओवैसी की पतंग को साथ साथ उड़ाने की बात कर रहे थे। ये गले से गले मिलती तस्वीरें ज्यादा दिन पुरानी नहीं हुई हैं। इन तस्वीरों को देख हर किसी को लगा था ये जहरीली दोस्ती न टूटेगी। ओवैसी जी तो कहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को सीएम बनाएंगे, क्या बीजेपी के लोगों से पूछो क्या राजभर को सीएम बनाएंगे जो उनके पास चेला लोग हैं। लेकिन अपनी बात पर टिक जाए वो ओम प्रकाश राजभर हो ही नहीं सकते। राजभर एक तरफ तो लैला से गठबंधन का वादा कर रहे थे, वहीं अंदर ही अंदर वो दूसरे नेताओं से भी इलू इलू करने का मौका खोज रहे थे। लैला तो मजनू से गठबंधन के लिए तैयार बैठे थे,
लैला ने बड़े ही अरमानों के साथ गठबंधन के लिए होने वाली सारी रस्मों के लिए तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इन तस्वीरों ने लैला का दिल तोड़ दिया। मजनू ने लैला को निकाह से पहले ही तलाक दे दिया। लैला के सारे अरमान शीशे की तरह छन से टूट गए। जो ओवैसी की पतंग को यूपी के आसमान में सबसे ऊपर उड़ाने का वायदा कर रहे थे, वही राजभर ओवैसी की पतंग को खुद ही चरखी से तोड़कर किसी और के हाथ हो लिए। राजभर ने अपना नया ठिकाना खोजा एसपी में। ओम प्रकाश राजभर ऐसा व्यक्ति पैदा कर दिया आप लोगों ने कि जिसके साथ जाएगा उसकी सरकार बनेगी। पिछली बार हम गए भाजपा के साथ तो उसकी सरकार बन गई, अब हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। राजभर तो नई कश्ती पर सवार हो गए, लेकिन ओवैसी बीच मझधार में रह गए। जो ओवैसी कल तक ओम प्रकाश राजभर के साथ योगी को हराने का ख्वाब देख रहे थे, ओवैसी अब घर के रहे न घाट के। ओम प्रकाश राजभर तो अखिलेश के सियासी अब्बाजान जिन्ना के भरोसे साइकिल के रथ पर सवार हो गए। आपका कितना समर्थन रहेगा? जी की पार्टी के साथ गठबंधन है, अभी टिकटों की जानकारी आपको नहीं है। राजभर तो अपने नए साथी अखिलेश यादव का साथ पाकर फूले नहीं समा रहे हैं, और उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वह पुरानी लैला को चुनावी नसीहत देने लगे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी से कहा है, 100 सीट लड़ने से बढ़िया है कि 10 सीट लड़ो। 100 सीट लड़ करके आप 100 हार जाओगे और 10 सीट लड़ करके 100 जीत जाओगे, इस पे विचार करो। बेवफा मजनू की चाहत अभी लैला के लिए खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी लैला से वफा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तभी तो सब कुछ खुद ही खत्म कर देने वाले ओम प्रकाश राजभर ओवैसी को राजनीतिक सलाह दे रहे हैं। अब एक बार फिर से सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा और इस बयान के क्या है मायने समझिए। हम अपने उन साथियों से भी कहना चाहूँगा जो साथी प्रदेश में हक हिस्सा सम्मान चाहते हैं, जातिवार जनगणना चाहते हैं, ऐसे साथियों से मैं कह रहा हूँ कि आप आओ। 100 सीट लड़ने से बढ़िया है कि 10 सीट लड़ो। 100 सीट लड़ करके आप 100 हार जाओगे और 10 सीट लड़ करके 100 जीत जाओगे, इस पे विचार करो। बयान भी राजभर ने ये बयान यूं ही नहीं दिया, इसके पीछे एक पूरी सियासी गणित है और एक डर भी है जो ओवैसी ने बिहार में किया था। अगर यूपी में वो हो गया तो अखिलेश का लखनऊ की सत्ता पर पहुंचने का सपना सपना ही रह जाएगा। आपको समझाते हैं राजभर के बयान के पीछे की पूरी वजह। उत्तर प्रदेश में 20% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं, वहीं सूबे की 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव सबसे ज्यादा है। वहीं प्रदेश की 70 ऐसी मुस्लिम सीटें हैं जहां पर इनकी आबादी 20-30% के बीच है। वहीं प्रदेश की 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 30% से ज्यादा है। इन मुस्लिम विधानसभा सीटों पर ओवैसी खास रूप से फोकस कर रहे हैं। ओवैसी तो राजभर से गठबंधन टूटने के बाद 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट ने ये फैसला लिया है कि हम 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में अब तक एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट मिलता रहा है, वहीं पिछले 2 चुनाव से समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव ज्यादा रहा, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट बैंक पर भड़काऊ भाईजान ने नजर गड़ा दी है। ये फसल काटने का वक्त है, ये बीज बोने का वक्त नहीं है, ये डरने का वक्त नहीं है, ये डरने का वक्त नहीं है, ये बेकार होने का वक्त है। बीजेपी जहां सत्ता पर काबिज है, उसे 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी दल से सबसे ज्यादा चुनौती मिल रही है तो वह समाजवादी पार्टी। अगर AIMIM यूपी में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाती है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश को ही होगा। तभी तो अखिलेश यादव ने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया है। हम भी टीम नहीं है, हम वो टीम है, हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा,
हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाल्लाह। यूपी में एक तरफ बीजेपी वर्सेज एसपी चल रहा है तो दूसरी तरफ अखिलेश वर्सेज ओवैसी चल रहा है। अब राजभर अखिलेश की साइकिल पर सवार है तो राजभर का ओवैसी प्रेम जागना चौंकाने वाला नहीं। लेकिन सवाल ये कि लैला मजनू की बेवफाई पर चुप तो रही, लेकिन क्या ओवैसी राजभर की सलाह पर चुप रहेंगे? और अगर जवाब नहीं आता है तो यही समझा जाएगा कि छैला से मिले धोखे के बाद लैला ने मैदान छोड़कर हैदराबाद का रुख कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर वंदे मातरम में हम आपको बता दें, राजभर के इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने चुप्पी साध ली है। अमूमन दरअसल AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी कभी भी अपने राजनीतिक विरोधियों को जवाब देने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के इतने बड़े बयान दिए जाने के बावजूद उन्होंने अब तक इस पर कोई पलटवार नहीं किया है, कोई जवाब नहीं दिया है। यहां तक कि उन्होंने ट्वीट करके भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ये बात अपने आप में हैरान करने वाली है। तो आखिर असदुद्दीन ओवैसी की इस चुप्पी के मायने क्या हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा अवार्ड विनिंग शो वंदे मातरम। सीधे इस वक्त भगवान राम की नगरी अयोध्या से मैं खुद इस वक्त यहां पर सरयू तट पर मौजूद हूं, राम की पैड़ी पर। और वंदे मातरम में अब बात करेंगे यूपी के टीपू की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जिन्ना प्रेम इस कदर उन पर हावी है कि वो लगातार विरोधियों के निशाने पर हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के जो डेप्यूटी CM है केशव प्रसाद मौर्या ने, उन्होंने तो यहां तक अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दे दिया है कि दरअसल अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को अपना नाम बदल लेना चाहिए और उन्हें अपना नाम कर लेना चाहिए अखिलेश अली जिन्ना। यूपी में जैसे जैसे पारा नीचे जा रहा है वैसे वैसे यूपी में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। वैसे तो यूपी में चुनावों के लिए अभी 3 से 4 महीने बचे हैं, लेकिन नेता पार्टी पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुकी है। यूपी में तालिबान से लेकर लाखों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार जिन्ना तक की एंट्री हो चुकी है। इस मोहब्बत को क्या नाम दिया जाए? सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर गए, बैरिस्टर बनकर के आए थे। 2017 में हाथ के साथ 2022 में टीपू जिन्ना के सहारे। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, अगर आप एक बार चाहिए तो? नहीं, क्यों करें कॉन्टेक्स्ट, मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें। अखिलेश का जाम जिन्ना, आजम और मुख्तार। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। ललकार पलटवार चुनावी रण दमदार। सबके लिए सत्ता महत्वपूर्ण थी, अपनी कुर्सी महत्वपूर्ण थी, कश्मीरी पंडितों की पीड़ा महत्वपूर्ण नहीं थी। समाजवादी नहीं जिन्नावादी पार्टी कहिए। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया है। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियां आ गए। दंगाई भाईजान ने भी पढ़ाया टीपू को इतिहास। भारत को तोड़ने वाले का नाम, इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। बीजेपी का वार ओवैसी दूसरे जिन्ना। मैं भारत की राजनीति में जिन्ना का दूसरा रूप ओवैसी ही है। यूपी में 2022 के रण से पहले जिन्ना का चिन्ह जो निकला अब वो बोतल में जाता दिखाई दे रहा है। यूपी में हो रहे हर चुनावी भाषण में जिन्ना का भूत हर किसी के जुबान पर आ ही जा रहा है। यूपी की सियासी कुरुक्षेत्र में चुनावी धनुष और तीर निकल चुके हैं। अखिलेश यादव ने हरदोई में जो तीर छोड़ा है अब वो उनके पीछे पड़ चुका है। यूपी चुनावों में अखिलेश का जागा जिन्ना प्रेम अब उनके लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। पहले आप सुनिए अखिलेश ने हरदोई में जिन्ना के कैसे तारीफों के पुल बांधे थे। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर गए, बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई।
लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, अखिलेश अपनी गलती भी नहीं मान रहे। हद तो तब हो गई जब वो अपने जिन्ना प्रेम को सिद्ध करने के लिए दूसरों को इतिहास पढ़ने का ज्ञान देने लगे। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, अगर आप एक बार चाहिए तो। क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। जिन्ना पर जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव पर बीजेपी से लेकर ओवैसी तक हमलावर हैं। अखिलेश का जिन्ना प्रेम उनके लिए ही गले की फांस बन चुके। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सूबे का 5 साल तक सीएम रहा सियासतदान ऐसी बयानबाजी करेगा जो करीब 80% आबादी को सूल की तरह चुभेगा। अब अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश को अपना नाम बदलकर अखिलेश अली जिन्ना और समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर जिन्नावादी पार्टी कर लेना चाहिए। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियां आ गए। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लें और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लें। लेकिन ना जिन्ना उनको जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद जिता पाएंगे, ना अंसारी जिता पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता कमल खिलाई है। चुनावी फतह के लिए टीपू ने जिन्ना के नाम की जो यूपी में घंटी बजाई है, उस पर हंगामा होना तो तय था। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए आड़े हाथ ले लिया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोच तालिबानी है। मैंने अखिलेश का भाषण सुना, वो राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार पटेल की तुलना देश को तोड़ने वाले जिन्ना से कर रहे थे। ये बेहद ही शर्मनाक है। अखिलेश यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए। जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़ जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है, तो वहीं अमित शाह ने जिन्ना वाले अखिलेश के बयान पर खूब खरी खोटी सुनाई। यूपी की सियासत में आए जिन्ना का जिक्र करते हुए शाह ने जाम का मतलब भी समझाया और कहा कि चुनाव आया तो अखिलेश को जिन्ना प्रिय हो गए, जिसे कोई नहीं मानता। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टिकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। बबुआ ने मुसलमानों के वोट से 2022 में अपनी नैया पार लगाने के लिए जिस चिराग को रगड़ा, उस पर घमासान मचना ही था। यूपी के हरदोई में टीपू ने जिस जिन्ना को बाहर निकाला, उसे देखकर लैला भी लाल हो गई। यूपी में जिस वोट बैंक को अखिलेश अपनी पूंजी समझते हैं, उसी वोट बैंक के लिए लैला ने भी अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। ऐसे में लैला ने भी अखिलेश यादव को खरी खोटी सुना दी और कहा कि अखिलेश यादव जी, हमें इतिहास नहीं बल्कि आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बंटवारे के इतिहास पर आपका ज्ञान बहुत सीमित है। भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिन्ना की वजह से हुआ। भारत को तोड़ने वाले का नाम, इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। देश का बंटवारा करने वाला किसी भी भारतीय का मसीहा नहीं हो सकता। देश को दो टुकड़ों में बांटने वाले का गुणगान कोई कैसे कर सकता है? जिन्ना लाखों भारतीयों का हत्यारा है। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना की शान में कसीदे पढ़े थे और उन्हें महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार पटेल के बराबर लाखड़ा किया था। योगी के विकासवाद का जवाब टीपू जिन्नावाद से दे रहे हैं। बयान का मतलब शीशे की तरह साफ है, ध्रुवीकरण, सिर्फ ध्रुवीकरण। उनके बयान का कितना सियासी फायदा होगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन जिन्ना प्रेम टीपू और उनकी पार्टी को नुकसान करना शुरू कर चुका है। हिंदुस्तान पर जारी है वंदे मातरम, में हूं मकसूद खान। मेरे दिल में हिंदुस्तान,
सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें है मेरी पहचान। और वंदे मातरम इस वक्त हो रहा है भगवान राम की नगरी अयोध्या से, यहीं सरयू तट से, सरयू के किनारे में इस वक्त मौजूद हूं और राम की पैड़ी पर इस वक्त खड़ा हूं। और हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले जो सियासी माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है, उसमें कैसे अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री अपने तमाम विपक्षियों के निशाने पर, खासतौर पर बीजेपी के। और इस सबके बीच एक बड़ी खबर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, बड़ी खबर बीजेपी नेता निरहुआ के बयान से जुड़ी हुई है। निरहुआ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आपने यादव कुल को कलंकित किया है, भगवान श्री कृष्ण भी आपके इस तरह के कर्मों को देखकर खून के आंसू रो रहे होंगे और आपने कार सेवकों पर जो गोली चलवाने का पाप किया था उसकी माफी आपको कभी नहीं मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त विधानसभा चुनावों से पहले माहौल काफी गर्म है। सबके बीच अखिलेश यादव अपने लगातार बयानों की वजह से विरोधियों के निशाने पर है, लेकिन दूसरी तरफ विकास की बात कर लेते हैं, बात बुंदेलखंड की। अमूमन हर विधानसभा हर चुनावों से पहले बुंदेलखंड के विकास को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं, तमाम तरह के वादे होते हैं, लेकिन इन सबके बीच 2017 का विधानसभा चुनाव जब बुंदेलखंड की सभी सीटों पर 17 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, अब ऐसे में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है अपने इस 2017 विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन को दोहराने की। ऐसे में अब 2022 में इस लक्ष्य को कैसे जीतेगी, कैसे पार पाएगी बीजेपी, इसको लेकर पार्टी ने प्लानिंग क्या की है और सरकार इस वक्त बुंदेलखंड के विकास को लेकर क्या सोच रही है, पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी का किला बरकरार रखने के लिए बीजेपी का महाअभियान लगातार जारी है। चार दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी कल फिर झांसी जा रहे हैं। यहां वीरांगना लक्ष्मीबाई को पीएम मोदी श्रद्धांजलि देंगे। झांसी में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के समापन समारोह में पीएम मोदी देश के साथ साथ बुंदेलखंड को भी कई सौगात देंगे। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से की गई और समापन के लिए यानी कि कल 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर यानी कि झांसी का किला जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। कैसी तैयारियां यहां पर की जा रही है उसकी तस्वीर हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए मंच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि रानी की जयंती पर झांसी आ रहे प्रधानमंत्री मोदी, किले के मैदान में 600 वर्ग फुट का ये मंच यहां पर तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समेत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। फोकस रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने पर रहेगा। वीरांगना की धरती से प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उपकरणों को सशस्त्र बलों के सेवा प्रमुखों को सौंपेंगे। इनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का डिजाइन और विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ साथ ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी झांसी के लोगों को 11 करोड़ की लागत से बने अटल एकता पार्क का भी तोहफा देने वाले हैं। 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर में इस झांसी ने विदेशी हुकूमत की चोले हिलाने का काम किया था। रानी लक्ष्मीबाई जी के नेतृत्व में इस देश की स्वाधीनता के लिए उस समय जिस प्रकार का अभियान चलाया गया था आज भी भारत के इतिहास में वह स्वर्णाक्षरों में जाना जाता था। कभी यूपी के पिछड़े इलाकों में शुमार बुंदेलखंड अब विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। 2017 के चुनाव में बुंदेलखंड की सभी 17 सीटों पर कमल खिला था और बीजेपी की पूरी कोशिश है 2022 के चुनाव में भी इस इलाके में 100 में 100 नंबर पाने का। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।
तो देश का सबसे बड़ा और अवार्ड विनिंग शो वंदे मातरम जारी है धर्मनगरी रामनगरी अयोध्या से। वंदे मातरम में आगे बढ़े उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दूं, बड़ी खबर अखिलेश यादव की बढ़ती मुसीबतों की, बढ़ती मुश्किलों की। जिस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दिया उससे संत समाज नाराज है और संत समाज ने चेतावनी दी है, साफ चेतावनी अखिलेश यादव को, माफी मांगे अखिलेश यादव वरना भुगतना पड़ेगा उसे अपने इस बयान का अंजाम। वही बयान जो उन्होंने भगवा को लेकर दिया, वही बयान जो उन्होंने चिरंजीवी को लेकर दिया। इसको लेकर संत समाज में खासा गुस्सा इस वक्त देखा जा रहा है और तमाम साधु संत इस वक्त एकजुट हैं और अखिलेश यादव को उन्होंने साफ कर दिया है, अखिलेश यादव माफी मांगे। और अखिलेश यादव के खिलाफ संत समाज इस वक्त एकजुट है, अयोध्या में बकायदा संतों के बीच इस बात को लेकर एकजुटता नजर आ रही है और जल्द ही कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में इस वक्त तमाम संत समाज से जुड़े हुए उसके पदाधिकारी भी और बड़े साधु संत भी। अखिलेश यादव की आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ेंगी अगर उन्होंने अपने इस बयान को लेकर माफी नहीं मांगी तो। अयोध्या में इस वक्त संत समाज एकजुट है और अखिलेश यादव के खिलाफ, उनके इस बयान के खिलाफ उनमें खासा आक्रोश है। तो आज के लिए वंदे मातरम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी हिंदुस्तान पर खबरें जारी रहेंगी और कल और आगे आने वाले कल और उसके आगे आने वाले कल भी, यानी कि अब से वंदे मातरम यहीं से आप देखेंगे धर्मनगरी से, भगवान राम की नगरी अयोध्या से, इसी सरयू तट के किनारे से, और मैं इस वक्त यहीं राम की पैड़ी पर ही मौजूद हूं। तो आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ, वंदे मातरम।